दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और प्रेस कीजिए घंटी को ताकि आप देख पाएं वीडियो सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शेफी और आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपनी फोटो को प्रोफेशनल एडिटिंग किस तरह दे सकते हो। आपको सिंपल सा 2-3 स्टेप करने हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। उनसे आप अपनी डीपी को बहुत ही अच्छा बना सकते हो। जैसे कि आपने देखा होगा व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर जो प्रोफाइल पिक्चर होती है, लोग उसको बहुत ही अच्छा क्रिएट कर लेते हैं एडिटिंग के जरिए। तो आपको मैं इस तरह की बहुत ही अच्छी टिप देने वाला हूँ जिससे आप बहुत ही अच्छी अपनी फ़ोटो को क्रिएट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। तो आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपने प्ले स्टोर पर जाना है और वहाँ पर सर्च करना है टच रिटच। सर्च करने के बाद आपको जो फर्स्ट एप्लीकेशन शो हो रही है इस पर क्लिक करना है और इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। मैंने पहले से इंस्टॉल किया हुआ है तो मैं इसको ओपन करता हूँ और यहाँ पर आपने एल्बम की ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने एक इमेज सेलेक्ट करना है जिसे आप एडिट करना चाहते हो। तो मैंने फोटो सेलेक्ट कर लिया है। अब क्या करना है, फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है और फोटो को आपने सेलेक्ट करना है, इसको जहाँ पर ये गर्म खड़ी हुई है इसको आपने पूरे को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने गो की ऑप्शन पे क्लिक करना है। और ये लड़की यहाँ से गायब हो चुकी है, आप देख सकते हो। फिर आपने इसको सेव कर लेना है गैलरी में और बैक आ जाना है। फिर आपने पिक्सआर्ट ओपन करना है। पिक्सआर्ट ओपन होने के बाद आपने उस बैकग्राउंड को लेना है जो हमने अभी क्रिएट किया था। बैकग्राउंड हमारे पास आ चुका है। फिर आपने यहाँ पर अपनी जो फोटो है उसको ऐड करना है। ये मैंने फोटो यहाँ पे ऐड कर लिया है और इसका मैं साइज बड़ा कर लेता हूँ। और फिर आपने इफेक्ट पे क्लिक करना है, इसका कलर चेंज कर देते हैं। स्क्रीन वाला कलर अच्छा लग रहा है, इसको मैं यस कर देता हूँ। और फिर आपने इसको राइट क्लिक कर देना है इस पर। फिर टेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो जो आपको अच्छा लगे, जो लाइन आप लिखना चाहते हो। और इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ और इसका कलर चेंज कर देता हूँ। फिर आपने प्लस पे क्लिक करना है और यहाँ से एक स्टिकर पे क्लिक करना है। यहाँ पर मैं हार्ट वाला स्टिकर लगा देता हूँ, ये आप कोई भी लगा सकते हो जो आपको अच्छा लगे। फिर आपने प्लस पे क्लिक करना है और ऐड फोटो पे क्लिक करना है। मैंने अपना लोगो बनाया हुआ है तो आप अपना लोगो बना सकते हो या कोई भी लाइन लिख कर वहाँ पर लगा सकते हो। तो मैं अपना लोगो यहाँ पे लगा देता हूँ जो कि प्रोफेशनल लगेगा। अब मेरा लोगो आ चुका है यहाँ पर। अब फिर से आपने प्लस पे क्लिक करना है और लेंस फ्लेयर पे क्लिक करना है। यहाँ से मैं एक लाइटिंग लेंस ले लेता हूँ और इसका साइज बड़ा कर लेना थोड़ा सा। और इसको यहाँ पे अच्छे से फिट कर देना है और ये इसको राइट क्लिक करना है। अभी इस पे बॉर्डर लगाना है, इसका रंग मैं ब्लैक कर देता हूँ
और इसको राइट क्लिक करना है इस पर। और अब हमारा फ़ोटो बन चुका है प्रोफेशनल तरीके से, देखो बिल्कुल। इसको आपने एरो पे क्लिक करना है और गैलरी में फ़ोटो को सेव कर देना है। और ये हमारा फ़ोटो सेव हो चुका है। इस तरह आप एक मिनट में अपनी सिंपल सी फ़ोटो को प्रोफेशनल फ़ोटो बना सकते हो, तो बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। इस तरह आप अपनी डीपी को बहुत ही अच्छा बना सकते हो, बहुत ही अच्छी तरीके से एडिट कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड को वीडियो शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है या कुछ आप पूछना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर मी। जय हिंद।